एक चाची बता रही थी यहाँ पे, जब यहाँ आसपास के गांव में यहाँ पे आग लगा था बहुत ज़ोर का, तो सब कुछ जल चुका था। ऐसे ऐसे किसी ट्रेन ने मदद किया था उस गांव वालों को, बोला था कि हम यहाँ से आपको निकालेंगे, लेकिन गांव वालों ने बोला कि हम तो जाएंगे लेकिन हमारा जो बचा कुचा अनाज जो बचा है ना वो भी निकालेंगे हम लोग। इनको बड़ा खुशी होगा जानकर कि हिंदुस्तानी इतना दूर आ गया इनके स्टेट में। और बाय द वे मैं नॉर्थ की तरफ हूँ, राइजन के नॉर्थ की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रहूँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बस। पूछते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन की कहाँ है, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी एक बहुत खास चीज़ है यहाँ पे। वो क्या है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। रेलवे स्टेशन ट्रेन ओके थैंक यू पर्सी बस। मेरे को उनको सिंबल करके बताना पड़ा। चलिए ये रेलवे स्टेशन मैं यहाँ इसलिए देखने आया हूँ, ये रेलवे स्टेशन को भी गवर्नमेंट बंद करने वाली थी। यहाँ पे सब कुछ बंद ही करने वाले थे लोग। बंद इसलिए करने वाली थी क्योंकि ये था पहले नैरो गेज। नागपुर के रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा छोटा लपटरी नहीं होता है वो वाला। यहाँ का मार्केट मैंने पहले बताया था ना आपको, लोग यहाँ मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। तो बीच क्या रहे हैं वैसे यहाँ पे? ओके हाउ मच नॉट फुल सम वन मिनट। हाँ ये लेडी के साथ मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था और इनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ और ट्रैवलर हूँ। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा दिया, वो जो लाल रंग का आप देख रहे हो ना वो थोड़ा सा खाने के लिए दिया मेरे को, खट्टा था एक से। मैंने बोला कि नहीं मैं ये लूँगा नहीं। मैं ट्रेन का इनको फिर से पूछ रहा था कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन किधर है, तो वो बोले कि पता नहीं है। पसीबा मंजूर नहीं है इनको, हम भीख नहीं मांगेंगे बाबा। ये एटीट्यूड होना चाहिए हर लोगों में, ना ही रशिया में इंडिया में भी सबके पास ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया हम हमारे पास जब हाथ पैर है तो हम ज़रूर काम करेंगे। अभी भीख उसको मांगना चाहिए ना जिसके पास हाथ पैर ना हो, उनके लिए वैलिड लगता है। रेलवे स्टेशन कहाँ है बाबा, बता रहा था कुछ भूल गया मैं रेलवे स्टेशन के बारे। हाँ तो ये नैरो गेज रेलवे स्टेशन था और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा निकाल दिया कि हम नहीं चलाएंगे इसे। तो यहाँ के लोग फिर से पागल हो गए, पागल नहीं हो गए, इनको लगा खराब कि हम इतने दिनों से इस नैरो गेज में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, ये हमारे लिए हेरिटेज साइट है, आप इसे कैसे ख़राब कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला नहीं हम इसे बंद करके छोड़ेंगे, इन्होंने पूरा बंद कर दिया और सिर्फ यहाँ पे अब ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ना दिन में मतलब सुबह से लेकर रात तक 3 ट्रेन जाती है। वो जाती है व्लादिमीर रीजन मतलब व्लादिमीर स्टेट की तरफ जाती है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और वो म्यूज़ियम किधर है पता नहीं मेरे को। ज़्यादा देर का सफ़र है नहीं मेरा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे मैं यहाँ बिताऊँगा और यहाँ से मुझे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना है, वहाँ पर मुझे हॉस्टल लेना पड़ेगा। वाह 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 ये हुई ना बात, ये देखिए ये हुआ ना बात बाबा। 1941 टू 1945 ओके यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ था रशिया में 1941 टू 1939 से हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए श्रद्धांजलि दी गई है इन सबको जो लोग यहाँ पे मारे गए थे। सार का मतलब सोवियत वार, नाजी के टाइम पे मारे गए थे लोग। हाँ क्या बात है। बारिश हो रही है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा, यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है मतलब देखना है, चाहे कुछ भी बारिश क्यों ना हो जाए। प्रो रशियन रेलवेज द रॉक इज कमिंग। पहले ना नैरो गेज का ट्रेन ऐसा हुआ करता था, ये देखिए इंजन है। अच्छा नैरो गेज का ये इंजन है, देख रहे हैं, और इस तरह के डब्बे हुए करते थे जो म्यूजियम के टाइप में बनाते। ये म्यूजियम है नहीं ऐसे प्रीवियस, और ये रहा इसका इनका ट्रेन, छोटा सा ज़बरदस्त। अभी भी अब नहीं चल रहा है ऐसे। यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है 12 बजे,
इंतजार तो नहीं कर सकते हो। एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन में पूरा पानी। ओके हाँ, इंतज़ार तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना है काशी मोह के लिए तरफ। बता दिया, काशी मोह यहाँ से होगा 2 घंटे का रास्ता। वहाँ पे एक ही हॉस्टल है, अगर मैं वहाँ जल्दी गया नहीं ना तो मेरे को वो हॉस्टल मिलेगा नहीं। ये रहा इसका प्लेटफॉर्म। बारिश हो रही है यार। बारिश में ये करना मज़ेदार है। वो देख रहे हैं, वो वाटर टावर है यहाँ का। हाँ, द फेमस वाटर टावर ऑफ टुमा, नाम भूल गया था। पानी पड़ रहा है। एक मिनट। एक चाची बता रही थी यहाँ पे, जब यहाँ आसपास के गांव में यहाँ पे आग लगा था बहुत ज़ोर का, तो सब कुछ जल चुका था। ऐसे किसी ट्रेन ने मदद किया था उस गांव वालों को, बोला था कि हम यहाँ से आपको निकालेंगे, लेकिन गांव वालों ने बोला कि हम तो जाएंगे लेकिन हमारा जो बचा कुचा अनाज जो बचा है ना वो भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ के नैरो गेज ट्रेन ने हेल्प किया था पास वाले गांव को, उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बोल के निकल गई। मैंने उनसे पूछा तो ये था इसका हिस्ट्री, इतना स्ट्रांग हिस्ट्री है ये। और जो वाटर टैंक पीछे आप देख रहे हो ना वो वाला, वो तब से है यहाँ पे जब से स्टीम इंजन यहाँ चला करता था, इसलिए हेरिटेज मानते हैं यहाँ के लोग इस रेलवे स्टेशन को और यहाँ के ट्रेन को। जो चीज़ मुझे सबसे कम पसंद है ना वही मेरे साथ होता है। अपन लंच करने आए हैं यहाँ पे, खड़े खड़े लंच करना पड़ेगा। खाएंगे शवरमा 150 शवरमा, कॉफ़ी 150 रुपये, 200 रुपये में लंच होने वाला है। जनरली मॉस्को में कितना होता था यार, चावल और चिकन कितना होता था, 280 140 में। यहाँ 50 रुपये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा है, बस कॉफ़ी पी रहा हूँ। संडे इतना है यार, क्या करूँ, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो कैसे काम चलेगा। कोल्ड ड्रिंक भी है इनके पास, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का कोई मूड में नहीं हूँ। मेरे को लगा है ज़बरदस्त ज़ोर से, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हर वीडियो में आप सुनते होंगे कि मेरे को लगा है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस लग जाता है। इनसे मैंने क्लियरली पूछा, वेज खाना है शवरमा कितने का, 150 बना रहे हैं अंदर, भैया जी अंदर बना रहे हैं शवरमा मेरे लिए। बस सब कुछ फ्रेश हो और चिकन शवरमा खाते हैं। थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद अपन चलेंगे द फेमस प्रोटेस्टेड चर्च, जहाँ गवर्नमेंट ने बंद करने का कोशिश किया था ऑर्थोडॉक्स चर्च को, शायद 400 साल पुराना।